गुड मॉर्निंग टू ऑल, दिस इज नवनीत जांगर फ्रॉम मदर्स पॉलिटेक्निकल सीनियर सेकेंडरी स्कूल। आई टीच इंग्लिश हियर। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस चैप्टर नंबर 6 ऑफ क्लास 7। द नेम ऑफ चैप्टर इज एक्सपर्ट डिडक्टिव। इन द लास्ट सेशन वी रीच चैप्टर नंबर 5 एंड अंडरस्टूड व्हाट वाज चैप्टर अबाउट। एंड टुडे सेशन वी आर गोइंग टू रीच चैप्टर नंबर 6 एंड दैट नेम इज एक्सपर्ट डिडक्टिव। ओके, अपने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, सॉरी लास्ट सेशन में अपने पढ़ा था चैप्टर नंबर 6, ठीक है। उसमें जाना था वो चैप्टर किस बारे में है, और आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 6। चैप्टर का नाम है एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स। ये देखो पढ़ते हैं, ये किसके बारे में है, एक बच्चे के बारे में है जिसका नाम क्या है, निषाद, ठीक है। और निषाद नाम का मतलब क्या होता है, सेवंथ नोट, ठीक है। क्या नाम मतलब होता है, सेवेंथ नोट। किसका सेवेंथ नोट, म्यूजिक का जो सेवेंथ नोट होता है उसको निषाद बोलते हैं। एज वी वॉक्ड टुवर्ड्स द क्लिनिक, सेवन सेड, जैसे ही हम क्लिनिक की तरफ गए, ठीक है, वॉक बैक टुवर्ड द क्लिनिक, टुवर्ड मतलब की तरफ। एज वी वॉक्ड बैक, जैसे ही हम वापस गए, कहाँ गए, टूवर्ड द क्लिनिक, क्लिनिक की तरफ, सेवन सैड, सेवन ने कहा। सेवन को ना, यहाँ पर एक बच्चा है जिसका नाम क्या है, निषाद है, ठीक है, उसके लिए आया है। क्यों आया है उसके लिए, बिकॉज म्यूजिक का जो सेवन्थ नोट होता है, म्यूजिक में जो नोट होते हैं, नोट का मतलब क्या है, उसके जो सुर होते हैं उनको नोट बोलते हैं, ठीक है। तो म्यूजिक का जो सेवन्थ नोट होता है, उस सेवेंथ नोट का नाम क्या है, निषाद होता है, ठीक है। इसलिए उस बच्चे को क्या कहा गया, सेवेंथ नोट कहा गया म्यूजिक का, ठीक है। और चैप्टर में उसे सेवन नाम से बुलाया गया। सेवन सेड, सेवन ने कहा, ही डजंट लुक एनीथिंग लाइक ए मॉन्स्टर, कि वो मॉन्स्टर की तरह, जानवर की तरह जरा भी नहीं दिखता है। किसकी बात हो रही है, जिसको भी वो देख रहे थे उसकी बात हो रही है, माया, किसको बोलता है वो बात, माया को बोलता है। बट डिड यू सी, लेकिन Did you see how thin he is? क्या तुमने देखा वो कितना पतला है? Maybe he is very poor and I can't afford to eat. And can't afford to eat. हो सकता है वो बहुत ज्यादा गरीब हो और can't afford to eat, और खाने के लिए कुछ नहीं खरीद सकता, afford कर सकता। He can't be poor if he is a crook on the run. अब क्या बोला गया है कि वो, he can't be poor, वो गरीब नहीं हो सकता। If he is a crook on the run, अगर वो एक भागा हुआ अपराधी हो तो। crook का मतलब क्या होता है, crook का मतलब होता है criminal, ठीक है, कोई ऐसी activity करने वाला जो सबको परेशान करती है, उसको बोलते हैं अपन crook। I told him, मैंने उसे कहा, he has probably got millions of rupees stashed away somewhere in that रूम, कि मैंने उससे कहा शायद उसके पास लाखों रुपए है जो उसके रूम में कहीं छुपाए हुए हैं, ठीक है। स्टैश्ड अवे का मतलब क्या होता है, छुपाना, हाइड अवे, छुपाकर रखना। डू यू रियली थिंक ही इज अ क्रिमिनल, माया, ही डजंट लुक लाइक वन, निषाद लुक्ड डाउटफुल। अब क्या बोलता है, निषाद बोलता है कि क्या माया तुम्हें सच में लगता है वो क्रिमिनल है, और ऐसा बोलते हुए वो ऐसा लग रहा हो जैसे कि उसको बहुत ज्यादा डाउट हो, उसको कोई शंका हो, शक हो इस बात पर। Of course he is 1-7, I said, and he certainly isn't starving. अब कौन बोलती है, अब माया बोलती है कि हाँ पक्का है कि वो एक क्रिमिनल है, और ऐसा भी लगता है कि उसको जरा भी भूख नहीं लगी है। स्टार्विंग का मतलब क्या होता है, भूख लगना, बहुत तेज जब भूख लगती है उसको बोलते हैं स्टार्विंग। आई सेड, एंड आगे देखो, मिस्टर मेहता टोल्ड अस दैट, मिस्टर मेहता ने हमें बताया था कि रमेश ब्रिंग्स हिज मील्स अप फ्रॉम द रेस्टोरेंट डाउनवर्ड्स। क्या बताया था मिस्टर मेहता ने हमें, बताया था जो रमेश है वो अपना खाना जो नीचे रेस्टोरेंट है, नीचे जो एक रेस्टोरेंट है वहां सर, वहां से ऊपर लाता है। बट माया, लेकिन माया, मिस्टर मेहता टोल्ड अस, मिस्टर मेहता ने हमें बताया, He doesn't work anywhere, कि वो कहीं काम नहीं करता है। So how can he possibly have money to pay for food? निषाद said. तो निषाद ने क्या कहा, निषाद ने कहा कि मिस्टर मेहता ने हमें बताया था कि वो जो आदमी है वो कहीं काम नहीं करता है, तो उसके पास खाने के लिए पैसे कहाँ से आते हैं।
Exactly, I exclaimed. He must have lots of money hidden somewhere. Maybe in that trunk in his room. It's probably full of silver and gold and jewels. And ठीक है, अब माया क्या बोलती है? अब माया क्या बोलती है? Exactly, हाँ सही कह रहे हो. I exclaimed. Exclaim मतलब क्या होता है? खुशी से बोलना, ठीक है, मतलब सरप्राइजली बोलना, उसको बोलते हैं एक्सक्लेम. तो माया ने सरप्राइजली बोला, he must have a lot of money hidden somewhere, कि उसके पास शायद, सॉरी, उसके पास जरूर बहुत सारा धन होना चाहिए जो उसने कहाँ पर छुपाया है. मे बी इन द ट्रंक इन हिज रूम, शायद उसका जो रूम है, उसका जो ट्रंक है, ट्रंक मतलब क्या होता है? ट्रंक का मतलब होता है एक ऐसी जगह जहां पर अपना अपना सामान रखते हैं, उसको बोलते हैं अपन ट्रंक, ठीक है, इसको बोल सकते हैं अपन स्टोर रूम, ठीक है. कि मे बी इन दैट ट्रंक, हो सकता है कि उसका रूम का जो स्टोर है वहां पर उसने बहुत सारा पैसा छुपाया हो. इट्स प्रोबेबली फुल ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड एंड ज्वेल्स, और हो सकता है शायद वो किससे भरा हो, वो सोने चांदी और जवाहरात से भरा हो, ठीक है. महंगे महंगे जो जवाहरात होते हैं, ज्वेल्स होते हैं, उनको बोलते हैं, ठीक है, उनसे भरा हो. बट रवीश, निषाद इंटरप्टेड, और निषाद ने बीच में उसको इंटरप्ट करते हुए, मतलब बीच में टोकते हुए कहा, क्या कहा? बट रवीश, क्या बकवास है, ठीक है. इंटरप्ट का मतलब क्या होता है? इंटरप्ट का मतलब होता है बीच में टोकना, बीच में रोकना. I know I am right, stupid, I told him. ठीक है, I know I am right, stupid, I told him. By the way, अब क्या बोलते हैं? माया बोलती है कि हाँ मुझे पता है कि मैं सही हूँ, stupid यानी मूर्ख, I told him, मैंने उसे बताया. By the way, जाने दो, क्या होता है by the way का मतलब? चलो छोड़ो, ठीक है, by the way, चलो छोड़ो. Seven, did you see his scars? क्या तुमने उसके घाव देखे? इसका का मतलब क्या होता है? निशान, घाव, चेहरे पर जो अपने बॉडी पर जो निशान होते हैं, जो घाव होते हैं, ठीक है, चोट लगने के बाद जो निशान बच जाते हैं, उनको स्कार्स बोलते हैं. क्या बोलती है माया? कि क्या सेवन, क्या तुमने उसके स्कार्स देखे, तुमने उसके निशान देखे? आई कुडंट, इट वॉज टू डार्क. वो बोलता है कि नहीं, मैं नहीं देख सका, इट वॉज टू डार्क, कि बहुत ज्यादा अंधेरा था. बट आई बेट ही गॉट देम ड्यूरिंग ए शूट आउट विद द पुलिस और समथिंग. लेकिन मैं यह शर्त लगा सकता हूं कि जब पुलिस के साथ उसकी मुठभेड़ हुई या फिर किसी और दूसरे अपराधी के साथ उसकी मुठभेड़ हुई, तो शायद उसको वो घाव लगे हो, ठीक है. शूट आउट का मतलब क्या होता है? गोलीबारी होना, ठीक है, गोलीबारी. जब एक सामने वाला गोली चला रहा है, दूसरे वाला उस पर गोली चला रहा है, उसको बोलते हैं शूट आउट, ठीक है. Mummy told us quite clearly they were burn scars. Nishad said firmly. So Nishad ने क्या कहा? Nishad ने पूरा पक्का विश्वास से कहा. Firmly यानी क्या होता है? पक्का होकर कहना कोई चीज, उसको बोलते हैं firmly. तो Nishad ने पूरा पक्का होकर कहा, पूरे पक्के विश्वास से कहा. क्या कहा? कि मम्मी टोल्ड अस, मम्मी ने हमें बताया था क्वाइट क्लियर, पूरे साफ तरीके से, दे वर बर्न स्कार्स, कि वो जले हुए निशान है, कि वो जलने के निशान है, ठीक है. क्या होता है बर्न स्कार? जलने के निशान. Perhaps the police had to set his house on fire to force him out, I suggested. Seven looked unsure. ठीक है, तो क्या बोलता है आगे? आगे क्या बोलता है सेवन? क्या बोलता है आगे? कि हो सकता है शायद पुलिस ने उसे पकड़ने के लिए, उसे उसके घर से बाहर निकालने के लिए, ताकि वो पकड़ा जाए, इसके लिए उसके घर पर आग लगा दी हो. I suggested, कि मैं ऐसा सजेस्ट करता हूँ, ठीक है. सेवन लुक्ड अनश्योर, तो सेवन जो है वो भी इस बात पर श्योर नहीं था कि शायद पुलिस ने ऐसा किया हो या नहीं किया हो. आगे देखो, ऑन द मंडे फॉलोइंग, ठीक है, ऑन द मंडे फॉलोइंग मामाज बर्थडे, ठीक है. तो मंडे के जो आगे आने वाला दिन है उसके लिए क्या है? फॉलोइंग आया, ठीक है, कमिंग आफ्टर. फॉलोइंग मतलब क्या होता है? कमिंग आफ्टर. ऑन द मंडे फॉलोइंग, मंडे के अगले दिन मामाज बर्थडे, मामा का बर्थडे है. सेवन वेंट अलोन विद हर, सेवन उनके साथ अकेला ही चला गया. टू द क्लिनिक एट किरगम, कहाँ चला गया? क्लिनिक में, जो कहाँ पर है? जो कि किरगम में है. किरगम क्या है? जगह का नाम है. As I was spending the evening with a school friend, और मैं क्या कर रही थी? माया बोल रही है, मैं कर रही थी, मैं अपने एक स्कूल के दोस्त के साथ शाम बिता रही थी, ठीक है. स्पेंड यानी बिताना.
When they returned, जब वो वापस आए, निषाद called me. निषाद ने मुझे बताया, he would be in to see Mr. Nath. क्या बोला कि उसने Mr. Nath को देखा. And felt most annoyed that I hadn't been there. और मुझे इस बात का बहुत बुरा लगा कि मैं वहां पर नहीं थी. कौन बोलते है बात? ये बात माया बोलती है. एनोडिया यानी क्या होता है? परेशान लगना, बुरा लगना, ठीक है, अच्छा नहीं लगना, उसको बोलते अपन एनोइड. सेवन हैड बीन क्वाइट अपसेट अबाउट मिस्टर नाथ गॉन्ट अपेरेंस एंड वाज श्योर दैट ही वाज स्टार्विंग. ठीक है, अब क्या बोलते आगे कि सेवन्थ जो है, सेवन्थ मिस्टर नाथ का जो क्या बोलते गॉन्ट अपेरेंस है. अब गॉन्ट यानी क्या होता है? बीमार. जैसे कोई आदमी बीमार होता है ना, उसको गॉन्ट बोलते हैं. ठीक है, ऐसा लग रहा हो जैसे कि वो बीमार हो. ठीक है, तो सेवन्थ ने जब देखा कि सब ऐसा लगा कि जो वो मिस्टर नाथ बीमार दिख रहे थे, अपेरेंस यानी क्या होता है दिखना, तो वो बीमार दिख रहे थे. एंड वाज श्योर, और वो इस बात पे पूरा श्योर था, पक्का था, दैट ही वाज स्टार्विंग, कि वो उसे मिस्टर नाथ को भूख लग रही थी. ही टोल्ड मी, उसने मुझे बताया, दैट ही हैड नॉक्ड लाउडली ऑन मिस्टर नाथ्स डोर दैट इवनिंग एंड सेड, कि उसने मुझे बताया कि उसने, किसने बताया? निषाद ने बताया माया को, कि जब एक शाम को क्या हुआ कि उस शाम को जो निषाद है उसने मिस्टर नाथ का जो घर है उसके दरवाजे पर जोर से नॉक किया. नॉक क्या है? टकराना. ठीक है, टक्कर देना, या फिर जैसे दरवाजे को नॉक करते हैं तो उसको टक्कर देना ही होता है वो भी. ठीक है, तो उसके लिए आया, दरवाजा खटखटाया, बहुत जोर से उनका दरवाजा खटखटाया. एंड सेड, और कहा, ओपन द डोर क्विकली मिस्टर नाथ, कि मिस्टर नाथ जल्दी से दरवाजा खोलिए. द मैन हैड ओपनड इट एंड आस्क्ड हिम, तो आज उस आदमी ने, मिस्टर नाथ ने दरवाजा खोला और सेवन से पूछा, लॉस्ट अनदर मार्बल्स, क्या तुम कुछ भूल गए हो, क्या तुम कुछ अपना जो मार्बल होता है ना, कंचा जिसे बोलते अपन, जो कांच वाले जो आते हैं ना खेलने के लिए कंचे जो, तो उससे बोलते मार्बल. तो उसने पूछा, मिस्टर नाथ ने सेवन से पूछा, क्या तुम अपने कंचे भूल गए हो? ही हैड ऑब्वियसली रिकॉग्नाइज्ड माय ब्रदर. हाँ, उस अब आगे क्या बोलती है, आगे माया बोलती है कि जरूर मिस्टर नाथ ने मेरे भाई को पहचान लिया होगा. नो सैड निषाद. अब जब निषाद वहां पर गया दरवाजे पर और उसे दरवाजा खटखटाया, तो मिस्टर नाथ ने उससे पूछा, क्या तुम अपने कंचे भूल गए हो? तो उसके बाद में देखो क्या बोला जाता आगे. नो सैड निषाद. निषाद ने कहा नहीं. He had taken the man's hand in his arm and thrust a bar of chocolate into it. और क्या क्या उसे निषाद ने उस आदमी का हाथ अपने हाथ में लिया और उसके हाथ के अंदर एक चॉकलेट की बार यानी लंबी चॉकलेट उसके हाथ में रख दी. ठीक है, थ्रस्ट मतलब क्या होता है? दबाकर रखना, जोर से रखना, उसको बोलते हैं थ्रस्ट. Did you get a chance to peek into the trunk, seven? I asked. अब क्या बोलती है? अब माया पूछती है उससे. माया क्या पूछती है? क्या तुम्हें ऐसा मौका मिला कि जो तुम उसका ट्रंक, उसका जो स्टोर है, तुम उसमें झांक सको? पीक इनटू मतलब क्या होता है? अंदर झांकना. ठीक है, चुपचाप देखना, उसे बोलते हैं अपन पीक इनटू. निषाद लुक डिसअपॉइंटेड. निषाद बहुत ही निराशाजनक लग रहा था. मतलब उसको देखकर ऐसा लगा कि उसने ऐसा नहीं किया. ही डिडंट इवन आस्क मी इन, ही सेड. निषाद ने बोला कि उसने मुझे यहाँ तक नहीं बोला कि तुम अंदर आ जाओ, उसने मुझे अंदर आने के लिए तक नहीं पूछा. किसकी बात कर रहा है निषाद? उस आदमी की बात कर रहा है. देन ही स्माइल, उसके बाद वो मुस्कुराया. बट आई डिड फाइंड आउट समथिंग माया, लेकिन मुझे कुछ पता चला है माया. आई वेंट डाउन टू द रेस्टोरेंट वेयर रमेश वर्क्स एंड टॉक्ड टू हिम, कि मैं नीचे गया उस रेस्टोरेंट पर जहाँ पर रमेश काम करता है और मैंने उससे क्या किया? बातें करी. किससे बातें करी? रमेश से. गुड फॉर यू मिस्टर डिटेक्टिव, आई सेड. माया कहती है तुम्हारे लिए अच्छा ही है मिस्टर डिटेक्टिव. पैटिंग हिम ऑन हिज बैक, आई होप यू क्वेश्चन हिम प्रॉपरली. ठीक है, और क्या किया उसने माया ने निषाद की पीठ थपथपाते हुए कुछ कहा कि मुझे लगता है, मुझे ऐसी उम्मीद है कि तुमने उससे अच्छे से क्या किए हो, सवाल पूछे हो. ठीक है, तुमने अच्छे से उससे क्या किया हो, सवाल पूछे, उससे क्वेश्चन किए हो.
ठीक है, आगे देखो। सेवन लुक्ड प्लीज, सेवन को यह सुनकर बहुत ही अच्छा लगा, ठीक है। रमेश टोल्ड मी, रमेश ने मुझे बताया दैट ही टेक्स टू मील्स फॉर मिस्टर नाथ एवरी मॉर्निंग एंड इवनिंग। उसने मुझे बताया कि वो मिस्टर नाथ के लिए हर सुबह और हर शाम को दो बार खाना लेकर जाता है, दो बार सुबह और दो बार शाम को। एंड टू कप ऑफ टी, और दो चाय के कप, वन इन द मॉर्निंग एंड वन इन द आफ्टरनून, एक सुबह और एक दोपहर में। रमेश कहता है ही इज नॉट वेरी पर्टिकुलर अबाउट वॉट ही ईट्स, कि उसे ये नहीं पता है। किसको नहीं पता है? मिस्टर नाथ को नहीं पता है। रमेश कहता है कि मिस्टर नाथ को यह नहीं पता है कि उसे क्या खाना है, ठीक है, उसे कोई चॉइस नहीं है उसकी क्या खाना है। पर्टिकुलर का मतलब क्या होता है? पर्टिकुलर का मतलब होता है कोई एक स्पेसिफिक चीज के लिए बोला गया पर्टिकुलर, ठीक है। इज नॉट वेरी पर्टिकुलर मतलब कि उसे कोई फिक्स नहीं है कि वो क्या खाता है। इट्स ऑलवेज द सेम फूड, टू चपाती, सम दाल एंड वेजिटेबल, कि हमेशा एक ऐसा ही खाना होता है जिसके अंदर दो चपाती होती है, दाल होती है और वेजिटेबल होती है। मिस्टर नाथ पेज कैश एंड टिप्स वेल, कि मिस्टर नाथ कैश में पे करते हैं, ठीक है, नगद में पे करते हैं और अच्छी अच्छी टिप देते हैं। रमेश टोल्ड मी समथिंग वेरी स्ट्रेंज माया, आगे कहते तो, आगे सेवन कहता है कि माया कि मुझे रमेश ने कुछ बहुत सी अजीब चीज बताई। स्ट्रेंज यानी क्या होता है? अजीब। ये रमेश ने मुझे कुछ अजीब चीज बताई। सेवन एडेड मतलब जो बात कह रहा था उसी बात को उसने आगे कहना शुरू किया, उसके लिए मतलब है एडेड। एडेड मतलब क्या हो रहा है? उसने जो बात कह रहा है उसी बात में उसने और बात ऐड करी, मतलब वो आगे बोला। ऑलमोस्ट एवरी संडे, कि लगभग हर संडे को ही कैरीज टू लंचेस टू मिस्टर नाथ रूम, कि वो हर संडे को मिस्टर कौन, रमेश हर संडे को मिस्टर नाथ के रूम में दो खाने की थालियां लेकर जाता है। मील किसके लिए है? मील का मतलब है भोजन, खाने की थाली। ठीक है, लंच के लिए वो दो खाने की थाली लेकर जाता है। एंड द सेम मैन इज विद हिम ईच टाइम, और हमेशा हर संडे को उसके साथ एक ही आदमी रहता है। ही इज टॉल, वो लंबा है, फेयर गोरा है, स्टाउट एंड वियर्ड स्पेक्टिकल्स, और क्या है स्टाउट एंड वियर्ड स्पेक्टिकल्स, और कैसा है वो चश्मे पहनता है। स्पेक्टिकल्स क्या होते हैं? चश्मा। रमेश कहता है हिज विजिटर्स टॉक्स अलॉट, कि नाथ को जो मिलने आता है, विजिटर यानी मिलने वाला, वो बहुत सारी बातें करता है उससे। अनलाइक मिस्टर नाथ हु हार्डली स्पीक, मिस्टर नाथ की तरह नहीं जो उससे बात ही नहीं करते। किससे? रमेश से। रमेश बोल रहा है कि जो मिस्टर नाथ से जो आदमी मिलने आता है वो रमेश से खूब सारी बातें करता है यहाँ, ठीक है, और जो मिस्टर नाथ है वो तो कुछ बोलते ही नहीं है। वेल डन निषाद, आई टोल्ड हिम, अब कम बोलती है, अब माया बोलती है कि वेल डन निषाद, बहुत बढ़िया निषाद, आई टोल्ड हिम, मैंने उसे कहा। नाउ दैट, अब जब वी हैव मेड सम प्रोग्रेस, हमने कुछ प्रोग्रेस कर ली, हमने कुछ आगे बढ़ गए हैं, विद आवर इंक्वायरीज, अपनी जो इंक्वायरी है उनमें, वी विल हैव टू सॉर्ट आउट ऑल द फैक्ट्स, हमें सारे जो फैक्ट्स है उनको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। सॉर्ट आउट का मतलब क्या होता है? सॉर्ट आउट का मतलब होता है हर चीज को सिस्टमैटिक वे से सेट करना, ठीक है, हर चीज को सिस्टमैटिक वे से, ठीक है, अरेंज करना, सेट करना, उसको बोलते हैं सॉर्ट आउट, ठीक है। अब सारे तथ्य हमारे सामने आए हैं, सारे फैक्ट जो हमारे सामने आए हैं, हमें उन्हें एक सिस्टमैटिक तरीके से सेट करना होगा। लाइक एक्सपर्ट डिटेक्टिव, जैसे कि एक बहुत एक्सपर्ट डिटेक्टिव करता हो। सो दैट वी कैन ट्रैप द क्रूक, ताकि हम क्या कर सके, ताकि हम उस अपराधी को ट्रैप कर सके, फंसा सके। ट्रैप का मतलब क्या होता है? जाल में फंसाना। हाउ डू यू गो ऑन माया, सेवन साइटेड, अब सेवन ने धीरे से कहा कि तुम ऐसा कैसे करोगी, ठीक है। गो ऑन का मतलब क्या होता है? यहाँ किसके लिए आया गो ऑन? गो ऑन आया जब माया वो बात कर रही थी कि हमें सारे तथ्य सेट करने होंगे ताकि हम उस अपराधी को बचा सके, तो उस चीज के लिए आया, तुम इस चीज को आगे कैसे लेके जाओगी, या फिर जो तुमने कहा वो तुम वो कैसे करोगी, उसके लिए आया गो ऑन, ठीक है। आगे देखो,
How can you possibly imagine he is a crook? He looks so ordinary. अब आगे बोलता है वो कि तुम ऐसा कैसे इमेजिन कर सकती हो कि वो एक सॉरी वो माया बोलती है कि तुम ऐसा कैसे बोल सकती हो कि वो एक अपराधी है, क्रूक क्रिमिनल है. ही लुक्स सो ऑर्डिनरी, वो तो बहुत सामान्य दिखता है. क्रिमिनल्स कैन लुक क्वाइट ऑर्डिनरी. स्मार्ट स्मार्टी आई रिटॉर्टेड, डिड यू सी द पिक्चर ऑफ द हैदराबादी हाउस ब्रेकर इन द पेपर यस्टरडे? He looked like any man on the street. Nishad looked doubtful. ठीक है, अब निषाद ने क्या क्या, निषाद ने उसे doubtful बोलते हुए कहा, क्या बोला देखो, criminals can look quite ordinary smarty. अब क्या बोलता है, जो criminal है वो पूरी तरीके से सामान्य दिख सकते हैं. I retorted, मैंने ऐसा कहा. Did you see the picture of Hyderabadi house breaker in the paper yesterday? जो कल कल जो पेपर आया था, जो अखबार आया था, उसके अंदर जो हैदराबाद के अंदर एक जो आदमी है वो घर में घुस गया था, क्या तुमने उसकी पिक्चर देखी, क्या तुमने उसकी फोटो देखी एक बार में? He looked like any man on the street. वो भी दूसरे लोगों ही की तरह सामान्य दिख रहा था. अब देखो यहाँ पे जो वर्ड है ना ऑन द स्ट्रीट, इसका मतलब जो गली पे गली में, इसका मतलब है बाकी जो लोग होते हैं उनकी तरह ही था वो भी. ठीक है, एनी मैन ऑन द स्ट्रीट का मतलब क्या, बाकी लोगों की तरह. निषाद लुक्ड डाउटफुल, निषाद यह कहते हुए डाउटफुल लग रहा था. आगे देखो, द मानसून ब्रेक्स द नेक्स्ट डे, और अगले ही दिन बारिश आने लगी, मानसून आ गया. ब्रोक का मतलब क्या होता है, ब्रोक का मतलब होता है टूटना, लेकिन यहाँ पे क्या होता है आना. ठीक है, द मानसून ब्रोक द नेक्स्ट डे, और अगले ही दिन मानसून आ गया. डार्क क्लाउड, काले बादल, अकम्पनीड बाय ब्लाइंडिंग फ्लैशेस ऑफ लाइटनिंग. ठीक है, काले बादल क्या बोला गया, डार्क क्लाउड्स अकम्पनीड बाय ब्लाइंडिंग flashes of lightning and roaring rolls of thunder burst with all their fury. अब क्या बोला गया आगे, जो काले बादल है वो जो कड़कड़ाती बिजली है उसके साथ मिलकर, उसके साथ मिलकर roaring rolls of thunder और बहुत ज्यादा आवाज कर जो गड़गड़ाहट है, गड़गड़ाहट के साथ burst with all their fury, और अपने पूरी ताकत के साथ क्या होते हैं वो बरसते हैं. burst का मतलब क्या होता है, ब्रश का मतलब होता है फूटना, लेकिन यहाँ पर क्या होगा बरसना. ठीक है, ऑल काफी गया, हाँ देयर फ्यूरी, फ्यूरी का मतलब क्या होता है, फ्यूरी का मतलब होता है पूरी ताकत के साथ. ठीक है, गुस्से के साथ होता है, लेकिन यहाँ पर क्या आएगा पूरी ताकत के साथ. ठीक है, फ्लडिंग द स्ट्रीट विद ए हैवी डाउनपोर, और बहुत तेज बारिश के साथ पूरी गलियों के अंदर क्या आ गई, पानी भर गया. स्कूल वाज टू हैव री ओपन्ड आफ्टर द समर हॉलीडेज, जो स्कूल है वो समर की हॉलीडे के बाद शुरू होनी थी, री ओपन होनी थी. बट नो ट्रैफिक कुड मूव थ्रू द फ्लडेड रोड्स, लेकिन सड़कों पर इतना पानी भरा हुआ था कि वहां पर कोई भी जो है यातायात है जो ट्रैफिक का वो नहीं चल सकता था. And there was an unexpected holiday. और इस तरह क्या हो जाता है, एक unexpected holiday या फिर ऐसा मतलब ऐसी छुट्टी जिसकी कोई पता नहीं थी वो छुट्टी हो जाती है. I thought, मैंने सोचा, I would spend the time usefully, कि जो समय है, जो summer vacation का समय है, मैं उसे काम में लेकर बिताऊंगी. I sat at my desk in our bedroom with a sheet of paper before him. ठीक है, और क्या किया उसने, और फिर सोचा कि जो अपना जो टाइम है, छुट्टी का टाइम है, वो मैं पूरी यूजफुली मतलब पूरे उपयोग के तरीके से बताऊंगी. आई सेट एट माई डेस्क, मैं डेस्क पर बैठ गई, इन आवर बेडरूम, हमारे बेडरूम में, विद ए शीट ऑफ पेपर बिफोर मी, एक पेपर, एक शीट लेकर पेपर की. ठीक है, बिफोर यानी मेरे सामने. आई रोट इन लार्ज ब्लॉक लेटर, मैंने बड़े बड़े शब्दों में लिखा, क्या लिखा, कैचिंग ए क्रूक, एक अपराधी को पकड़ना. एक्सपर्ट डिटेक्टिव निषाद एंड माया पंडित, क्या लिखती है वो, निषाद और माया पंडित बाय अपॉइंटेड टू होल द वर्ल्ड, जिसको पूरी दुनिया ने अपॉइंट किया है. अपॉइंट का मतलब क्या होता है, काम में लगाना. देन आई बिगन राइटिंग, उसके बाद मैंने लिखना शुरू किया. अबाउट हाफ एन आवर लेटर, डेढ़ घंटे के बाद, आई टर्न टू आवर्स सेवन,
मैं सेवन की तरफ गई, who was laying on his tummy, जो कि अपने पेट के बल सोया हुआ था, chin cupped in his palms, और जिसने अपनी जो चिन है वो अपने हथेलियों में ले रखी थी, रीडिंग कॉमिक्स, जो रीडिंग कॉमिक्स, जो कॉमिक्स पढ़ रहा था. Want to hear what I've written, I asked. मैंने उसे पूछा कि जो मुझे लिखना है वो तुम सुनना चाहते हो. He looked up questioningly. कि उसने इस तरीके से देखा जैसे वो नहीं चाहता हो, ठीक है, जैसे वो कोई क्वेश्चन कर रहा हो. I have listed all the facts. हमने सारे जो लिस्ट है, सारे जो फैक्ट्स तथ्य है, मैंने उनकी लिस्ट बना ली है. वी नो अबाउट मिस्टर नाथ, जो भी हमें नाथ के बारे में पता था. विच माइट हेल्प अस टू ट्रैप हिम, जो कि हमें मदद कर सकते हैं उसे पकड़ने में. आई सेड वांट टू हियर, मैंने कहा क्या तुम्हें सुनना है. सेवन नॉडेड, और सेवन ने सिर हिलाया. नॉड का मतलब क्या होता है? नॉड का मतलब होता है सहमति में सिर हिलाना, ठीक है, हाँ करना. उसने सिर हिलाते हुए हाँ किया. फैक्ट नंबर वन, पहला फैक्ट क्या है? आई रीड हिज नेम इज मिस्टर नाथ. मैंने पढ़ा, क्या पढ़ा? कि उसका नाम क्या है? मिस्टर नाथ है. वी मस्ट डिस्कवर हिज फर्स्ट नेम, और हमें उसका जो पहला नाम है वो भी खोजना पड़ेगा. डू यू थिंक दिस इज हिज रियल नेम, माया निषाद आस्क्ड. निषाद ने माया से पूछा, क्या तुम्हें लगता है ये उसका सही नाम है, असली नाम है? Probably not, शायद नहीं, I said, मैंने कहा. Most crooks have an alias, ठीक है, most crooks have an alias. Alias का मतलब क्या होता है? Alias का मतलब होता है दूसरा नाम, ठीक है, ऐसा नाम जिससे वो छुप सके, वो नाम उसको बोलते हैं अपन alias. तो सारे जो क्रिमिनल है उनके पास दूसरा नाम होता है. I added a big question after Nath, और क्या लगाया उसने बाद में? उसने बाद में मिस्टर नाथ के नाम के आगे बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगाया. फैक्ट नंबर टू, दूसरा फैक्ट क्या है? आई रीड ऑन, मैंने आगे पढ़ा. द टेनेंट एट शंकर हाउस से ही इज मैड, स्ट्रेंज एंड अनफ्रेंडली. टेनेंट का मतलब क्या होता है? टेनेंट का मतलब होता है किराएदार, ठीक है, जो किराएदार है कहाँ पर? मिस्टर सॉरी शंकर के हाउस घर पर जो किराएदार है उसने कहा कि वो कहता है कि मिस्टर नाथ क्या है, पागल है, स्ट्रेंज, अजीब है, एंड अनफ्रेंडली, और किसी से घुलता मिलता नहीं है, किसी से दोस्त नहीं बनता है. कि आगे देखो, फैक्ट नंबर थ्री, तीसरा फैक्ट क्या है? देखो, ही डजंट टॉक टू एनीवन, किसी से बात नहीं करता है, एंड इज मैनरलेस, और उसको तमीज नहीं है. मैनरलेस का मतलब क्या होता है? बदतमीज, ठीक है. बट ही डिड टॉक टू अस माया, एंड मामा सेज ही इज वेरी पोलाइट, निषाद इंटरप्रेट. और निषाद ने माया के बीच में टोकते हुए कहा, क्या कहा? कि उसने हमसे बात करी है और मामा यह कहती है कि इज वेरी पोलाइट, की बहुत ही पोलाइट है, बहुत ही अच्छे से रहता है. He only talked to us because he had to, I said. अब माया क्या कहती है? माया कहती है कि उसने हमसे सिर्फ इसलिए बात की क्योंकि उसे बात करनी पड़ी, ठीक है. एंड सिंस ही वॉज अंडर मामाज मेडिकल ट्रीटमेंट ही हैड टू बी पोलाइट, और जब वो मामा उसका इलाज कर रही थी तो इसलिए उसे क्या करना पड़ा, इसलिए उसे पोलाइटली रहना पड़ा, उसे अच्छे से रहना पड़ा. फैक्ट नंबर फोर, ही डजंट रिसीव एनी लेटर्स, कि उसके पास कोई भी पत्र नहीं आते हैं. ये क्या था उसका? फैक्ट नंबर फोर था. आगे देखो, फैक्ट नंबर फाइव, ही हैज बीन लिविंग इन रूम 10 ऑफ शंकर्स हाउस मोर देन ए ईयर, आई कंटिन्यूड, ठीक है. और कहा जाता है वो शंकर के जो घर है उसका 10 नंबर का रूम है, वहां पर वो एक साल से रह रहा है, ठीक है. आई कंटिन्यूड, और वो आगे बोलती गई, क्या बोलती गई, देखो. नंबर सिक्स, ही डजंट वर्क एंड सिट्स इन हिज रूम ऑल द डे, कि वो काम नहीं करता, वो सारे दिन अपने रूम में रहता है. फैक्ट नंबर सेवन क्या था? द किड्स इन शंकर हाउस, शंकर के घर में जो बच्चे हैं, एंड Even some of the grown ups are scared of him. यहाँ तक कि कुछ बड़े लोग भी उससे डरते हैं. Okay students, आज के लिए इतना ही. बाकी जो पढ़ा है वो, बाकी जो बचा है वो कल पढ़ते हैं. Till then, take care. Have a good day.